कैसे हो? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आओ पढ़ते हैं पाठ पृथ्वी से अग्नि तक। बच्चों, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप तो इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो। आओ कुछ और जानकारी इनके बारे में मैं आपको दे दूं। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बच्चों, ये है ढेर सारी पुस्तकें जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो जब भी मौका मिले आप ये पुस्तकें जरूर पढ़ना। आओ अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके बारे में विस्तार से पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त अवुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम भारत देश के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ राष्ट्रपति चुने गए थे। वह मुख्य रूप से एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रशासक थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया था। प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य करने के कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दी गई। वर्ष 1974 में प्रारंभिक परमाणु परीक्षण के बाद वर्ष 1998 भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों ने उनकी भूमिका को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप में सर्वाधिक उजागर किया। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग आदि मिसाइलों के रूप में कई सफल प्रयोग किए, जिसने
उनके नाम को भारत में एक उच्च प्रसिद्धि दिला दी और देश की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका बहुत सारे मिसाइल बनाने में योगदान रहा, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इस उपाधि से जाना जाता था। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी यह मिसाइल बनाई। ये है पृथ्वी इस मिसाइल के प्रक्षेपण की तस्वीर। पृथ्वी के बाद उन्होंने अग्नि वन यह मिसाइल बनाई, जिसका प्रक्षेपण दिखाई दे रहा है। अग्निवन का सफल परीक्षण हुआ, प्रक्षेपण हुआ। उसके बाद आकाश यह मिसाइल बनाई गई। आकाश इस मिसाइल का प्रक्षेपण, उसकी यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आकाश के बाद त्रिशूल यह मिसाइल बनाई गई। त्रिशूल के बाद नाग यह मिसाइल बनाई गई थी। तो इस तरह उन्होंने पृथ्वी, अग्निवन, त्रिशूल, आकाश और नाग यह मिसाइलें बनाई थी, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। आओ अब हम पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ पढ़ते हैं। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ छठा, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम एक साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो देखो, यहाँ बालासोर यह जो स्थान है, वहां अंतरिम परीक्षण पूरा हो रहा था, लेकिन अभी उसे एक साल की देरी थी, एक साल लगने वाला था। और पृथ्वी का प्रक्षेपण करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं उन्होंने स्थापित की, जिनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो अभी अभी हमें इस परिच्छेद में जो बातें बताई गई है, आओ चित्रों द्वारा हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है हमारे भारत देश का नक्शा। तो बालासोर कहाँ है उसे पहले देखते हैं। देखो, ओडिशा में बालासोर स्थित है। तो इस तरह ओडिशा में बालासोर यह जो स्थान है, उस स्थान पे वह पृथ्वी का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसे अभी एक साल का समय लगने वाला था। तो उसका प्रक्षेपण करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा इस स्थान पर क्या किया था, एक अलग सा प्रक्षेपण स्थान बनाया गया था। श्रीहरिकोटा इस स्थान पर पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए कौन कौन सी सुविधाएं बनाई गई थी? तो पहला था, ये है लॉन्च पैड। ठीक से देखना बच्चों, लॉन्च पैड, मिसाइल का लॉन्च पैड किस तरह का होता है। दूसरा है ब्लॉक हाउस। तो जो मिसाइल बनाई जाती है, उसका सारा नियंत्रण
इस ब्लॉक हाउस द्वारा किया जाता है। ये है नियंत्रण उपकरण। आपने बहुत सारे फिल्मों में इस तरह के उपकरण जरूर देखे होंगे। तो इन उपकरणों के द्वारा जो मिसाइल जिसका प्रक्षेपण होने वाला है उसका सारा नियंत्रण इस मशीन से किया जाता है। और ये है चलित दूरमिति केंद्र, जिसे आप एंटीना कह सकते हैं। इस तरह की बहुत ही बड़ी डिश होती है, सैटेलाइट होती है। तो इस तरह की सुविधाएं कहाँ की गई? श्रीहरिकोटा में, जहां इस पृथ्वी का प्रक्षेपण होने वाला था। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। देखो बच्चों, जो पहला मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम इन्होंने बनाया था उसका नाम था पृथ्वी। मिसाइल को ही उपग्रह कहा जाता है। उसे अंतरिक्ष में 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। यह जो घटना थी, जो भारत जैसा विकसनशील देश खुद के बलबूते पर इस तरह उपग्रह या मिसाइल अंतरिक्ष में छोड़ रहा है, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी इसका मतलब युग प्रवर्तक। तो यह जो घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी कि भारत ने खुद ही अपने बलबूते पर पृथ्वी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। निर्देशित मिसाइलों का मतलब क्या है? जो मिसाइलें पहले से ही इंग्लैंड, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने अंतरिक्ष में छोड़ी थी, वह निर्देशित मिसाइलें थी। तो उस क्षेत्र में भारत एक आत्मनिर्भर देश बनकर खुद की मिसाइल छोड़ना जिसने शुरू किया था। आत्मनिर्भर इसका मतलब स्वावलंबी। पहले जो उपग्रह बनाए जाते थे उनको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए हमें दूसरे देशों की वैज्ञानिकों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन पृथ्वी को पूरी तरह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया। तो इसलिए क्या कहा है? आत्मनिर्भर देश। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी। तो जब पृथ्वी का उद्भव हुआ, उद्भव इसका मतलब जन, उद्गम, जिस तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को बनाया और अंतरिक्ष में छोड़ा, यह देखकर सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। इस घटना ने जो विकसित बड़े बड़े देश थे, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे, उनको विचलित कर दिया। विचलित करना इसका मतलब अपने स्थान, प्रतिज्ञा, सिद्धांत आदि से हटा हुआ। उन्हें क्या लगता था कि सिर्फ वे देश ही इस तरह के उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। तो उनके पंक्ति में
भारत ने अपना स्थान बना लिया था। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग में और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूहों में पहुंचा दिया था। भारत के जो नागरिक हैं, वे सामर्थ्यशील नागरिक हैं। अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। चुनिंदा इसका मतलब चुना हुआ। तो जो बड़े बड़े देश थे उनके पंक्ति में भारत देश को पहुंचा दिया था। तो इस तरह भारत के जो वैज्ञानिक थे और जो एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन के साथ इस तरह उपग्रह को बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ रहे थे, यह देखकर इन देशों के क्या हुआ, उनके सामर्थ्य को विचलित कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि भारत जैसा देश कभी इस तरह के उपग्रह मिसाइल नहीं बना सकता है, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन यहाँ भारत ने पृथ्वी को अंतरिक्ष में छोड़कर उनकी सोच को क्या किया, बदल दिया। अब वे विचलित हो गए। भारत के जो नागरिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल, जो मिसाइलें उन्होंने बनाई हैं, वे अच्छे कार्य के लिए बनाई हैं, सुरक्षा प्रणालियों के लिए बनाई हैं। तो इस कार्य से, वैज्ञानिकों के इस कार्य से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। जो गिने चुने जो बड़े बड़े देश थे उनने भारत को पहुंचा दिया था। देखो तो हमारे पाठ्य पुस्तक में इस तरह पृथ्वी के उड़ान का प्रक्षेपण का चित्र दिया हुआ है। किस तरह अंतरिक्ष में यह मिसाइल या उपग्रह को छोड़ा जाता है। चलो बच्चों आगे का पाठ पढ़ते हैं। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या चार पांच मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो पहला जो है पृथ्वी का प्रक्षेपण तो हो गया था, तो क्या बस इसी में खुशी मनानी है या और भी कुछ करना है? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त है? पर्याप्त यानी योग्य मात्रा में है, बस है, काफी है? नहीं, तो अपनी प्रगति को दिखाने के लिए भारत जैसे देश ने क्या करना चाहिए, और भी मिसाइल प्रणालियों को स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप से ताकतवर बनाना है। स्वदेशी यानी देश में उपलब्ध जो साधन है उनका उपयोग करना। तो इस तरह विकास में स्वदेशी सामान का उपयोग करके हम पर्याप्त रूप से ताकतवर बन जाएंगे। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम इनकी मार्गदर्शन में अग्नि को एक टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो पृथ्वी के बाद उन्होंने अग्नि यह मिसाइल बनाना शुरू किया था।
जो टेक्नोलॉजी प्रदर्शन की परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। परियोजना इसका मतलब प्रोजेक्ट। तो यह जो प्रोजेक्ट है अग्नि का, वह विकसित किया जा रहा था। उसके लिए देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर एक ही उत्तर था, यही एक उत्तर था, दूसरे किसी भी देश की मदद न लेते हुए अपने देश में जो कुछ संसाधन है उनको दांव पर लगाकर इस तरह अग्नि को बनाया जा रहा था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का कार्य नेटवर्क बनाया गया था। तो देखो बच्चों, सिर्फ पृथ्वी को अंतरिक्ष में छोड़कर हमारे वैज्ञानिक चुप नहीं बैठे थे, वे अभी और भी 4-5 मिसाइलें बनाने में जुट गए थे। पृथ्वी के बाद अग्नि को बनाना शुरू हो गया था। अग्नि का जो प्रोजेक्ट था उसे टेक्नोलॉजी प्रदर्शन के प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया था और उसके लिए देश में जो संसाधन उपलब्ध थे उनको दांव पर लगाकर इस तरह अग्नि को बनाया जा रहा था। और इस अग्नि को बनाने के लिए 500 से अधिक वैज्ञानिक जुटे थे और अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पर्याप्त यानी काफी, उचित मात्रा, परियोजना यानी प्रोजेक्ट या प्लान, दांव पर लगाना इसका मतलब कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, प्रक्षेपण किसी वस्तु को आवेग के साथ उछालने या फेंकने की क्रिया। तो इन शब्दों के जो अर्थ है जरूर ध्यान में रखना। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो देखो, यह जो अग्नि मिसाइल बनाया गया था इसका प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। निर्धारित करना यानी तय करना। तो यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। देखो तो प्रक्षेपण यान में विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में विपरीत यानी उल्टा, गलत, तो इस तरह अगर बात हो जाती है तो व्यापक स्तर में खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां यानी क्रियाएं तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी, जैसे तय किया था, जैसे बताया गया था उस क्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं यह कब प्रक्षेपण हुआ है। निर्धारित करना इसका मतलब तय करना, अभूतपूर्व यानी अनोखा, विपरीत यानी उल्टा, मेल न खाने वाला, व्यापक स्तर यानी बड़े पैमाने पर, गतिविधियां यानी कृतियां। इन शब्दों को आप ध्यान में रखना बच्चों। अब आगे का पाठ पढ़ते हैं।
जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो, पूरी तैयारी तो हो चुकी थी, अब प्रक्षेपण करने ही वाले थे। तो क्या हुआ? 14 सेकंड पहले कंप्यूटर ने संकेत दे दिया कि उपकरणों में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो क्या किया गया? जहां कोई गलती थी उसे तुरंत सुधार लिया गया। और फिर निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। जो दूसरा केंद्र था, निचली रेंज का था, नीचे वाला रेंज का जो केंद्र था, उन्होंने रुकने को कहा। होल्ड करना यानी रुकना, रुकने के लिए कहा। फिर अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब एक के बाद एक और परेशानियां बढ़ने लगी। तो इसके कारण उस दिन प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना यानी रोकना। तो इस तरह अग्नि का प्रक्षेपण जो है, जो समय तय किया था, जो तारीख तय की थी, उस दिन नहीं हो पाया, क्योंकि कंप्यूटर ने इस तरह के संकेत दिए थे कि कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो अलग अलग रेंज थे अग्नि को अंतरिक्ष में छोड़ने वाले, उन केंद्र ने होल्ड कहा गया। और फिर जगह जगह होल्ड करने की जरूरत पड़ गई। तो उस दिन प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा यानी रोकना पड़ा। होल्ड यानी रुकना, थामना, स्थगित करना, रोक देना। देखो तो इतनी सारी कठिनाइयां आने के बाद यहाँ APJ अब्दुल कलाम उन सारे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या किया जाए इसके बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। आगे का पाठ पढ़ते हैं। मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे एक दो हफ्तों के काम के सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो, सारे बहुत खुश थे कि अभी अग्नि का प्रक्षेपण होगा और फिर उसकी जो न्यूज है सभी जगह फैलेगी। तो इन कठिनाइयों के कारण अग्नि के प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया। तो टीम के सारे सदस्य नाराज हो गए। वो सदमे में थे और शोक की हालत में थे। तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। सदमा लगना यानी बहुत दुख होना। शोक कर रहे थे वो कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है। तो APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया? उनके पुराने अनुभव को उनके साथ बांटा। जब
एपीजे अब्दुल कलाम SLV 3 के प्रक्षेपण कर रहे थे तो उस समय उनका प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उन्होंने समुद्र से उसे वापस लाकर सफलता के साथ उसका प्रक्षेपण किया था। तो यह उदाहरण देखकर जो साथी नाराज हो गए थे, सदमे में गए थे, शोक कर रहे थे, उनको एपीजे अब्दुल कलाम ने ढाढस दिलाया, ढाढस बंधाया कि आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है, वास्तव में आपने अभी कुछ भी ऐसा नहीं खोया है। अभी जो कठिनाइयां है या जो दुरुस्ती करनी है उसे एक दो हफ्ते में काम से सुधारा जा सकता है। तो इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने नाराज हुए इन वैज्ञानिकों को सारा विवरण देकर, सारी बात बताकर, उनकी जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लाया। जड़ता की हालत इसका मतलब जो अप्रसन्न थे, दुखी थे, उस हालत से उनको बाहर निकाला। झकझोर कर इसका मतलब बड़ी तेजी से उत्तेजना देकर उन्हें बाहर निकाला उस हालत से। उनकी मनस्थिति जो है उसको अच्छा किया और उनको क्या किया, यह समझाया कि अभी आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, जो कुछ कठिनाइयां आ रही है उसको हम एक दो हफ्ते में सुधार लेंगे और फिर सारी टीम जो है जहां जहां कठिनाइयां आ रही थी उस उप प्रणालियों की जांच करने और उन्हें ठीक करने के काम में फिर उसी उत्साह के साथ जुड़ गई। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ करने जा रहे होते हैं और कभी कभी हम हार जाते हैं, कभी गलती हो जाती है, तो उस समय में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, जहाँ गलती हुई है उसे सुधारना चाहिए और जो गलतियाँ हो रही है उसे टाल कर अच्छे से आगे काम करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें जब हुई थी तो उन्होंने किस तरह काम किया इसके बारे में उनके साथियों को, उन वैज्ञानिकों को बताया और उन्हें उत्तेजना दी कि आप यह सब हफ्ते दो हफ्ते में सुधार सकोगे और हमारा अग्निवन जो है अंतरिक्ष में जरूर जाएगा। तो उनकी बात सुनकर सब जो वैज्ञानिक की टीम थी वे उप प्रणालियों के जांच में और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुड़ गए लग गए। और आगे क्या होता है यह भी हम जरूर समझ लेंगे। तो आओ इस परिच्छेद में जो अलग शब्द है, नए शब्द है, उनके अर्थ देखते हैं। सदमा यानी दुखद घटना का आघात, विवरण इसका मतलब स्पष्ट करना, जड़ता की हालत यानी चेतना का अभाव, झकझोरना इसका मतलब उत्तेजित करना, निर्धारित करना इसका मतलब तय करना। अभी तक हमने देखा कि अग्नि का प्रक्षेपण होने जा ही रहा था तो कुछ तांत्रिक घटनाएं हुई और कंप्यूटर ने संकेत दे दिए कि होल्ड करो। इसके कारण
अग्नि का प्रक्षेपण रुकवा दिया गया, स्थगित करना पड़ा। बच्चों, आज का जो पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, यह बहुत ही बड़ा पाठ है, तो आज हम यही रुकते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ पर आधारित एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा स्वाध्याय मैं यहाँ दे रही हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में पूरा करना और अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। तो देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, डैश के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा, डैश को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तीसरा, अग्नि टीम में डैश से अधिक वैज्ञानिक थे। चौथा, डैश का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। पांचवा, मेरा तो डैश गिरकर समुद्र में खो गया था। तो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उसको आप पढ़ लेना और इन रिक्त स्थानों की जगह उचित शब्द को लिख देना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का कुछ अंश पढ़ा है, उसको समझा है। यह पाठ बहुत ही बड़ा है, इसलिए शेष पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।